शर्लिन करण के पास लेकर आएगी ऋषभ का डिवोर्स पेपर और करण को भड़काएगी ऋषभ प्रीता के खिलाफ। और शर्लिन नताशा की बातों में आकर और ऋषभ प्रीता की फोटोज देखकर करण को हो जाएगा ऋषभ प्रीता का अफेयर चल रहा है उस पर यकीन। ये हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण से उसकी प्रीता छीनने के लिए शर्लिन नताशा के पास जाने के लिए नताशा के घर जाएगी और वही नताशा करण को ऑफिस में कहेगी कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि करण, ऋषभ प्रीता का अफेयर चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये रहा इसका एविडेंस। तभी करण नताशा के पास से एविडेंस यानी कि सबूत देखेगा और जो नताशा के बॉयफ्रेंड के दोस्त ने वो ऋषभ प्रीता की फोटोज खींची थी उन फोटोज में ऋषभ को प्रीता को गले लगाते हुए देखेगा। तभी करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और करण को एक पल के लिए यकीन नहीं होगा। और लेकिन जब करण नताशा की बातों पर विश्वास ना करके लूथ हाउस जाएगा और वहीं उसी वक्त शर्लिन नताशा से मिलने के लिए और प्रीता से बदला लेने के लिए नताशा के पास जाएगी और नताशा को कहेगी कि उस करण ने मुझसे मेरे पृथ्वी को छीन लिया और पुलिस वाले मेरे पृथ्वी को अरेस्ट करके ले गए और इसलिए अब मैं करण से उसकी प्रीता छीन लूंगी। तभी नताशा कहेगी जस्ट वेट एंड वॉच, प्रीता अब जल्दी करण से दूर होने वाली है क्योंकि मैंने करण के अंदर प्रीता ऋषभ के खिलाफ शक का एक बड़ा बीज बो दिया है जो अब जल्दी फटने वाला है। इसलिए अब तुम ऋषभ के भेजे हुए डिवोर्स पेपर लेकर उस करण के पास चली जाओ और उसे कैसे भी करके भड़काओ कि ऋषभ उसे छोड़कर अब प्रीता के साथ एक होने वाला है। यह सुनकर जब शर्लिन ऋषभ के भेजे हुए डिवोर्स पेपर लेकर करण के पास जाएगी और शर्लिन करण को डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहेगी कि आज ऋषभ ने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए ये डिवोर्स पेपर भेज दिया है जिस पर मैं साइन करूंगी तो मेरा और ऋषभ का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा और वैसे भी अब ऋषभ प्रीता के साथ एक होना चाहता है और वो प्रीता से प्यार करता है और प्रीता भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करती है। यह सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और करण शर्लिन से पूछते हुए कहेगा ऐसा तुम कैसे कह सकती हो। तब शर्लिन कहेगी मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऋषभ को प्रीता के साथ एक होते हुए एक बार नहीं बल्कि हजार बार देखा है और पहले भी मैं ऋषभ और प्रीता को एक होते हुए देख चुकी हूँ। यह सुनकर करण के होश उड़ जाएंगे और करण का अपने भाई ऋषभ और प्रीता पर शक की डोर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब घर में ऋषभ प्रीता नताशा और उसके बॉयफ्रेंड की असली सच्चाई लाने के लिए अकेले कमरे में बात करे होंगे तभी नताशा ऋषभ प्रीता की बातों को सुन लेगी जिसे सुनकर नताशा अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी बातें कह देगी और प्रीता ऋषभ के खिलाफ डबल चाल चलती हुई नताशा अपने बॉयफ्रेंड को कहेगी तुम कल ऋषभ जैसे कपड़े पहनकर ऋषभ के गेटअप में रेडी हो जाना और मैं प्रीता जैसी साड़ी पहनकर प्रीता के गेटअप में रेडी हो जाऊंगी। तभी ऋषभ प्रीता अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जब करण को नताशा के बॉयफ्रेंड का एड्रेस बताते हुए कहेंगे कि तुम इस जगह आ जाना, मैं और प्रीता तुम्हारे सामने बहुत बड़ा एक्सपोज करना चाहते हैं जिसे देखकर तुम पूरी तरह से हिल जाओगे और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं और प्रीता दोनों मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। तभी यह सुनकर करण नशे की हालत में उस तालाब के किनारे जाएगा। तभी नताशा और उसका बॉयफ्रेंड तालाब के किनारे पुल पर मास्क लगाकर खड़े होंगे और करण को पुल के ऊपर आने का इशारा करेंगे जहाँ पर करण नशे की हालत में होने की वजह से प्रीता को कहेगा कि तुम तो मेरा प्यार हो और ऋषभ तू तो मेरा बड़ा भाई है और तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। तभी जब उसी वक्त नताशा असली ऋषभ प्रीता के आने का इंतजार करी होगी और नताशा करण को धक्का मारने के लिए करण के नजदीक जाएगी तभी करण नताशा को प्रीता समझकर कहेगा कि प्रीता तू दूर रहना मुझसे। तभी जब असली ऋषभ प्रीता वहाँ पहुँच जाएंगे उसी वक्त नताशा करण को तालाब में धक्का मार देगी और वहाँ से नताशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसी जगह असली ऋषभ प्रीता आकर खड़े हो जाएंगे और तालाब में डूबते हुए करण को लगेगा कि उसे धक्का मारने वाले असलियत में उसकी प्रीता और ऋषभ ही है। इसी वजह से जब करण तालाब से बाहर निकलने के लिए तैरते हुए बाहर आएगा तभी पीछे से मगरमच्छ करण को डबोच लेगा और प्रीता को करण से दूर करने की नताशा की चाल उल्टी पड़ जाएगी जहाँ पर करण ही हमेशा के लिए इस दुनिया से सबसे दूर चला जाएगा। और खबर यह है कि 5 साल कहानी को आगे बढ़ाने के बाद प्रीता की शादी अपने जेठ ऋषभ के साथ हो जाएगी और क्या ऋषभ प्रीता की शादी होनी चाहिए क्या नहीं और करण को ऐसी नताशा और शर्लिन की बातों पर भरोसा करना चाहिए क्या नहीं ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।